सब्सक्राइब कीजिए टेक फॉर सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल टेक फॉर सपोर्ट पे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि IHP, BHP और FHP क्या होता है। तो इसके लिए चलिए डायग्राम पे, ताकि आपको मैं अच्छे से इस चीज़ को समझा सकूँ। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को, व्हीकल्स को स्टार्ट करते हैं, तो सेल्फ देते हैं। सेल्फ देने के बाद जो होता है वो इंजन को अपना चार स्ट्रोक को पूरा करना पड़ता है, ताकि तभी हम लोग को जाके इंजन से पावर मिलता है। तो सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक को कंप्लीट करना पड़ता है दोस्तों इंजन को, तभी जाके हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो दोस्तों, जो पावर स्ट्रोक यहाँ से जनरेट होता है, उस पावर स्ट्रोक की वजह से जो हम लोग का इंजन में पावर जनरेट होता है, मतलब उसको हम लोग इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है FHP। FHP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फ्रिक्शन हॉर्स पावर। आइए जानते हैं कि फ्रिक्शन हॉर्स पावर किसे कहते हैं। तो इंजन जब रन करती है, तो इंजन में जो पार्ट्स होते हैं सारा मूव करते हैं, जैसे कि पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, सारा पिस्टन जो है ऊपर नीचे मूव करता है। और इसी दरमियान जो है वो सिलेंडर वाल से ये टकराता है, घिसता है, फ्रिक्शन होता है उसके बीच। और जो यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड होते हैं वो पिस्टन से जुड़े होते हैं, क्रैंकशाफ्ट से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ये इसी तरह से जितने भी पिस्टन इसमें लगे हुए हैं इंजन में, सारे पिस्टन में, बिग इंड और स्मॉल इंड में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो बहुत जगह जो है वो इंजन के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, मतलब घर्षण होता है उस मूवमेंट के दौरान। तो उसी मूवमेंट की वजह से, उसी घर्षण के दौरान से काफ़ी एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ था इंजन के अंदर, वो लॉस हो जाता है। तो जो लॉस हुआ, जो पावर लॉस हो गया मेरा फ्रिक्शन की वजह से इंजन के अंदर, उस पावर को हम लोग फ्रिक्शन हॉर्स पावर बोलते हैं। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फ्रिक्शन हॉर्स पावर उसे बोलते हैं जो फ्रिक्शन के वजह से इंजन के अंदर लॉस हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट BHP। चलिए आइए जानते हैं कि BHP किसे बोलते हैं। तो दोस्तों, इंजन के अंदर जो पावर मेरा टोटल जनरेट हुआ, उसके बाद फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो गया, वो लॉस होने के बाद पावर जो है वो फाइनली जाता है ये क्रैंकशाफ्ट पे, और ये क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होना चालू हो जाता है, और ये क्रैंकशाफ्ट के थ्रू ही जो है हम लोग पावर को ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा जो है व्हील तक पहुंचाते हैं। तो जो पावर क्रैंकशाफ्ट तक आया फ्रिक्शन के बाद, फ्रिक्शन के वजह से होने वाला लॉस के बाद जो पावर यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट में आया, उसे हम लोग फाइनली बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। मैं फिर से रिपीट एक बार कर देता हूँ दोस्तों, ब्रेक हॉर्स पावर उसे बोलते हैं जो फाइनली क्रैंकशाफ्ट में आता है फ्रिक्शन हॉर्स पावर के वजह से होने वाला लॉस के बाद। तो चलिए आइए अब जान लेते हैं कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं दोस्तों कि FHP फ्रिक्शन हॉर्स पावर प्लस ब्रेक हॉर्स पावर होता है। उसी तरह से दोस्तों, अगर आप BHP का बोले तो BHP को आप लिख सकते हैं IHP माइनस, मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस फ्रिक्शन हॉर्स पावर। उसी तरह से आप लास्ट लिख सकते हैं FHP इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर माइनस ब्रेक हॉर्स पावर। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास तीन फार्मूला भी निकल के आ जाते हैं, और ये फार्मूला के से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और कहीं पे भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों टर्म क्लियर हुए होंगे। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।